छत्तीसगढ़ के चार चिनारी नरवा घुरवा और बाड़ी इला बचाना है संगवारी हो। तो दोस्तों आप आएंगे तो वॉल पे पूरा राम जी का चित्रण देखेंगे। और दोस्तों वनवास काल के समय भगवान श्री राम ने राज्य में कुछ समय व्यतीत किए थे और माता सीता द्वारा कुलेश्वर महादेव का स्थापना करना यही उसका सूचक है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूं अभी राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग और वहां होने वाला है राजिम मेला दोस्तों कल से। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल में कहीं नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और काफ़ी परिवर्तन हो चुका है इस बार राजिम मेला राजिम में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है खास। आप ब्लॉग पे बस बने रहिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ आपको ये द्वार जो है नया लगेगा, नया दिखेगा और रंग रोगन का कार्य चल रहा है अभी ये देखिए। और मार्ग भी अच्छा डामरीकरण हो गया है, बस अच्छा मिल रहा है वहाँ से देखिए आप लोग जो पहले उबड़ घबड़ था। और ये राम जी का जो टेंपल अभी नया बना है स्टेच्यू। और दोस्तों यही बगल में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और इसकी तैयारी हो रही है। और यहाँ जो खास है वो भगवान राम जी का जो स्टेच्यू है वो बेहद ही खूबसूरत है और गार्डन बन गया है यहाँ। और यही खास है दोस्तों ये देखिए। और यहाँ जो आ रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं भगवान राम जी के साथ, क्योंकि मुख्य आकर्षण तो अपना मेला रहता ही है, उसके साथ ये खास हो गया है राम जी की प्रतिमा और बहुत ही सुंदर बना है। और दोस्तों इसको पार्क का रूप दे दिया गया है और काफ़ी मनमोहक लग रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ आएंगे आप तो वाकई में हम अयोध्या नगरी आ गए हैं इस टाइप का प्रतीत होगा। और ये जो है रंगीन लाइट लगा है नीचे में तो रात को और भी खूबसूरत लगेगा ये। और ये देखिए स्टेच्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। और दोस्तों नदी किनारे भगवान श्री राम जी की जो मूर्ति, इस बात का सूचक है कि यहाँ श्री राम जी माता सीता और भैया लक्ष्मण वनवास काल में यहाँ समय गुजारे थे। और जो कुलेश्वर महादेव है वो सीता मैया के हाथों से ही स्थापित हुई है। और दोस्तों भगवान राम जी की मूर्ति के पीछे में बहुत ही सुंदर कलाकृति बना है, वृक्ष बना है और बंदर बना है और तोता बना है, काफ़ी सुंदर है दोस्तों। ये देखिए आप लोग हिरण भी है। और भगवान श्री राम के धनुष में भी मोर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है दोस्तों। दोस्तों और इसमें निर्देश दिया गया है कि कृपया परिसर में गंदगी ना फैलाए और रेलिंग से दूर रहे। और ये है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया इसका और काफ़ी सुंदर चित्रण किया गया है रामलला का और बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और दोस्तों ये दीवार की बाउंड्री में पूरा रामायण का चित्रण है इसमें और देखने से आपको पूरा रामायण की झलकियां आपके आंखों के सामने नजर आ जाएगी। मतलब पूरा परिसर जो बना है दोस्तों उसके चारों तरफ रामायण का चित्रण है, बहुत ही सुंदर।
और दोस्तों यहाँ से राम जी के मूर्ति के पास खड़े होकर पूरा मेला स्थल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा नदी, लक्ष्मण झूला, वहाँ का स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो होने वाला स्थल वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और साथ ही राजी लोचन मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आप लोग, और श्रद्धालु लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं मेले का आनंद उठाने के लिए। और दोस्तों सबसे पहले मामा भांजा का मंदिर पड़ता है, उसका दर्शन करना जरूर रहता है, उसके बाद कुलेश्वर महादेव का। और ये देखिए लक्ष्मण झूला बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर दोस्तों कुछ काम चल रहा था इसकी वजह से जाने नहीं दिए, बाकी कल से यथावत चालू रहेगा। और चलिए हम आपको ले चलते हैं कुलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। और अभी खाली है दोस्तों, ये देखिए, और कल के दिन में तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। तो चलिए आए तो दर्शन कर लेते हैं बाबा जी का। और दोस्तों यहाँ मेला 5 फरवरी से 18 फरवरी तक रहेगा। और दोस्तों ये जो कुलेश्वर महादेव माता सीता के हाथों द्वारा स्थापित हुआ है, ये है कुलेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ। और दोस्तों हम कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम ले चलते हैं आपको मेला स्थल की ओर। और ये है चबूतरा, और बारिश के दिनों में दोस्तों यहाँ तो पूरा जलमग्न हो गया था ये एरिया पूरा। और ये नदी है दोस्तों, बारिश के समय पूरा जलमग्न हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको मेला स्थल की ओर ले चलते हैं, और काफ़ी दुकानें सज गई हैं। और चलिए दोस्तों जो स्टॉल लगा रहे हैं उनसे पूछते हैं कि कैसा रहेगा 2023 का मेला, और ये अपना दुकान सजा रहे हैं। और इस बार रहेगा अच्छा, चलो सही, अच्छा है मेला व्यवस्था व्यवस्था ना। कहाँ से भी आप लोग? अच्छा, यहीं यहीं से ना। चलो ठीक भैया। और ये देखिए दोस्तों जूता, सैंडल, चप्पल, इसके स्टॉल लग चुके हैं। और यहाँ पे श्रद्धालु लोग अपना विशेष जो सामान खरीद रहे हैं। ये तो इस बार कैसा रहेगा राजीव मेले का, जो 2023 का मेला पिछले समय कैसा था और इस समय कैसा रहेगा थोड़ा बताएंगे आप? अच्छा ही रहेगा। और आप हर साल लगाते हैं? हाँ। पिछले साल की भीड़ कितनी थी भैया? अच्छा, फिर भी तकरीबन भीड़ अच्छा था। और इस बार रहेगा? और इस बार क्या क्या कुछ मतलब विशेष, मतलब शाही स्नान होगा? हाँ शाही स्नान होगा ना। और साधु लोग आए हुए हैं? हाँ आधा लोग आए, आधा भी नहीं आए। आधा नहीं आए हैं, चलो ठीक भैया। और मेले में फैंसी स्टॉल लग चुका है दोस्तों, ये देखिए आप लोग। और स्नान के लिए ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया है, जो बोरा लगा दिया गया है, और इससे फिसलने का भी डर नहीं रहेगा। ये देखिए आप लोग बहुत ही सुंदर आप नहा सकते हैं। और उसके बाद ये हाथ पैर धोने के लिए नल लगा हुआ है दोस्तों, किसी को हाथ धोना है, किसी को पैर धोना है, किसी को कपड़ा धोना है,
और छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा घुरवा और बाड़ी ला ज़्यादा फोकस करेंगे हमारे मुखिया राज्य के माननीय भूपेश बघेल जी हा। और ये देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक प्रदर्शनी मन लगी दोस्तों, यहाँ बहुत ही सुंदर अच्छा अच्छा प्रदर्शनी लगी, आप मन जरूर विजिट करना ये जगह। और काफ़ी सुंदर तरीका से ये प्रदर्शनी के डोम बने हैं, बहुत ही अच्छा। तो संगवारी हो आप मन कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगी इस 2023 के राजीव मेला। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलो नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।